गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो डे है आज 40 और आज की जो वीडियो है वो है काव मसल पे, कैसे आप अपनी काव मसल का साइज इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आप उसको टोन अप करना चाहते हैं। तो काव मसल्स दो मसल को से मिलके बनती है, गैस्ट्रोनोमियस एंड सोलियस। जब हम सीटेड काव रेज करते हैं हमारे सोलियस मसल ज़्यादा एक्टिवेट होता है, एंड वेन वी आर डूइंग स्टैंडिंग काव रेज हमारा गैस्ट्रोनोमियस एंड सोलियस दोनों ये फुली एक्टिवेट होते हैं। बट दोनों करनी ज़रूरी है। मोस्टली स्टैंडिंग काफ रेज, डोंकी काफ रेज इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडिंग काफ रेज। आप उसको मशीन भी अवेलेबल होती है कहीं जिम में, लेकिन जो मैटर करता है आप वेरिएशन ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मसल साइज इंक्रीज करना है अपने काफ्स का, कर सकते हो आप उसके अपने पैरों को एंगल को चेंज कर सकते हो। आप टेम्पो बोले तो आपने अपनी काफ मसल्स को रेज किया, आप कुछ सेकेंड होल्ड कीजिए फिर नीचे आइए, या फिर आप अपने काव मसल को आपने रेज किया जो नेगेटिव है वो कंट्रोल और स्लो होना चाहिए। तो ऐसे करके आप अपनी काव मसल को ट्रेन कर सकते हो। साथ में आपको वीडियो दिख जाएगी साइड में किस हिसाब से मैं वेरिएशंस की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप जब अपने स्केड्यूल में, काव मसल के स्केड्यूल में ऐड करते हो तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि डिफरेंस धीरे धीरे दिखेगा आपको, एकदम से नहीं दिखना स्टार्ट होगा। क्योंकि काव मसल मोस्टली जब हम चल रहे होते हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं वो एक्टिव रहती है, तो उसको रेस्ट भी ज़्यादा चाहिए होता है जो नहीं मिल पाता। इसके कारण काव मसल बड़ा ही धीरे से धीरे धीरे ग्रो करता है। कई लोगों के मसल अच्छा होता है, फैट होता है, या फिर उनका कुछ ऐसा होता है रहना, जैसे कहीं पहाड़ी लोग होते हैं उनके काव मसल ऑलरेडी बचपन से ही उसी ट्रैक पर उनको अप एंड डाउन करना होता है, तो वो स्टार्टिंग से ही काव मसल अच्छा वर्कआउट हो जाता है उनका वहाँ पे, तो अच्छा साइज गेन हो जाता है। प्लस आपको उसको रेस्ट देना, अच्छी डाइट देनी है पूरी। आप देखो डाइट मेन है, क्योंकि जब आपके रिकवरी की बात आती है तो आपको डाइट देनी ज़रूरी होती है, मतलब आपको डाइट खानी ज़रूरी होती है। जब आप एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट आप खाते हो तो आपकी ओवरऑल बॉडी इम्प्रूव होती है, भले वो स्ट्रेंथ में हो, एंड्योरेंस में हो या मसल मास में हो। प्लस आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं एक ही चीज़ को एक्टिवेट करके रखूँगा कुछ टाइम बाद वो स्टिफ हो जाएगी, जब स्टिफ हो जाएगी तो उसका मसल साइज इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, आपकी डाइट ज़रूरी है, आपका रेस्ट ज़रूरी है, ये पूरा सर्कल मिलके ही आपके मसल साइज, मसल एंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। उसके बाद आप इंक्लाइन ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हो, अगर आपको काफ मसल को थोड़ा और अच्छा ट्रेन करना है आप वो ट्राई कर सकते हो। साइकिलिंग करने पे भी आपकी काफ मसल एक्टिवेट होती है। तो इन द एंड आपको उसका साइज गेन करना है तो आपको डिफरेंट वेरिएशन ट्राई करनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन सी मसल के लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है, बेटर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जैसे वेरिएशन मैंने बताई है आपको वीडियो में दिखाई है, आप भी अपने जब जिस दिन आपका लेग्स और काफ्स का डे होगा उस दिन आप ये वेरिएशन ट्राई करोगे और डिफरेंस फील करोगे कि क्या डिफरेंस। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जय हिंद एंड हर हर महादेव।